तो दोस्तों आज हम भरत भाई साहब के आए, भरत भाई साहब ने भरत भाई साहब जिनकी तरफ से आज ये हमारे टिक्कड़ का आयोजन किया जा रहा है। तो हम आपको पहले सबसे पहले मिलाते हैं हमारे भरत भाई साहब से, जो हमारे ग्रुप के अध्यक्ष हैं और हमारे चूल्हे का जला रहे हैं। तो भरत भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? आइए सर, चूल्हा जलाइए। तो आपने आयोजन किस लिए किया है? कुछ नहीं, हमारा भाई जयपुर जा रहा है, उसी खुशी में। धन्यवाद आपका। तो अब आ रहे हैं हम हमारे शेफ, जो पहले हलवाई साहब है हमारे, साहिल सैनी जी। साहिल सैनी जी, दादाजी का सीक्रेट दूध है। देखिए साहिल जी किस तरह से दूध में पानी मिलाते हैं और दूध में पानी। ये हमारा घर का मसाला है, सीक्रेट मसाला। और ये हमारे साहिल ऐसे है, इड़ा कहीं हूं। ये दो हलवाई, दूसरा हलवाई रजत सैनी जी, जिनका मुख्य कार्य है भगना। अरे रजत तो भाई साहब बता के तो जाओ, अपना परिचय तो जाइए। यार हमारे तीसरे सेव करवा में डेढ़ डेढ़ जीबी। हाँ तो रघु जी आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है? मैं कहना चाहूंगा आज इतना अच्छा मौका है जिसपे सारे भाई एक साथ इकट्ठे हुए हैं और अपने दाल टिकट का प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा, आपके उपलक्ष में किया जा रहा है? हाँ, मैं आया हूँ इतनी दूर से दूर। हाँ जी बिल्कुल, आपके लिए रखा गया है और ये प्रोग्राम स्पेशल रघु जी के लिए रखा गया है, क्योंकि रघु जी यहाँ नहीं रहते हैं। तो ये अलवर आए हैं रक्षाबंधन पर, तो इनके ये वापस जा रहे हैं, इसलिए सब भाई मिलके करें। भूल गए हैं थोड़ा सा, इसलिए आयोजित किया जा रहा है। तो अब हम आपको जेलर साहब के पास ले चलते हैं। आओ जेलर साहब। हाँ जी, क्या है जेलर साहब, क्या किस क्या आयोजन किया जा रहा है? ये आयोजन चल रहा है अपने राखी के प्रोग्राम था। हाँ साहब, चूल्हा जल गए। अच्छा जी, आटा लग रहा है, सब्जी में क्या है, दाल में क्या क्या है? दाल मतलब मिक्स दाल है। चोट वो क्या, तो लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो हम आपको उनके पास ही ले चलते हैं और उनसे मिलवाते हैं। हाँ जी नितेश जी, हेलो गाइस। तो आप बताइए कि कैसे हुआ आपके आंखों में? हम बाइक से, ये किसका प्यार है जो आप इतने प्रेम लेके घूम रहे हो? हम पतंग लेने जा रहे थे स्कूटी से, तो एकदम से तथैया आया पीछे से। हाँ जी पंडित जी, अब आप बताइए पंडित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ राय दीजिए यार अपनी। आपको क्या कैसी लग रही है व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था है, सही भाई, बहुत दिन बाद मिले हैं एक साथ, मजे ले रहे हैं सर। और ये देख लीजिए साहब किस तरह से पूरी प्रोसेसिंग चल रही है दाल टिकट के लिए। यहाँ पर लहसुन में जो अध्यक्ष साहब ने पैसे खा लिए, लहसुन में घाट ही नहीं मिली तो अध्यक्ष साहब ने पैसे खा लिए। तो अध्यक्ष साहब हमारे जो कर जाते हैं भैया, कितने रुपए दिया आपने बताना भाई साहब? ये आयोजन हमारे ग्रुप के द्वारा है। तो अब हम आपको मिलाते हैं मोहित मांडे सर से। हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये पार्टी हो रही है हमारी, ये हमारी पार्टी हो रही है। और ये तो कुछ आप जो लग रहा है भाई साहब, तो सब किस किस बारे में सब्जेक्ट, आपको ये आयोजन किस किस तरह लग रहा है कि ये आयोजन? कुछ मेरे भाई दोस्त दूर से आए हुए हैं, कुछ मेरे भाई अपनी जॉब छोड़कर आटा लगा रहे हैं। जॉब छोड़ी थी पर मैंने। हाँ तो भाई साहब एक बात और है, खुशी और बताते हैं। तो अब वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और एक हलवाई का काम चालू करें। दंगे होने वाले हैं, तो सलाद के लिए हमारी कटनी। डायलॉग सुनाओ इसका, कहीं जाने अब लगा, अब कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। अगर टाइम पे नहीं करते तो गिले शिके हो जाते हैं। तो ये अरे मैं मेरे उस वर्ड नहीं आ रहा कि जितना पीछे जाओगे उतना आगे निकलते हो। वो कौन सा कौन सी वो है यार, फिजिक्स का एक रूल है ना, मैं भूल गया हूँ वो रूल, कि वो न्यूटन स्लो नहीं, कि पीछे आप प्रेशर लेते हो और फिर एकदम से जाते हो, उनको अलाउ नहीं करते हैं 7 बजे बाद। और दूसरी बात ये है कि तो भाई साहब बात ऐसी है कि आपको रियल बात तो ये है कि हमारी आज कार्यकारिणी का चुनाव है, जहाँ पर सर्वसम्मति से भारत जी को एक अध्यक्ष चुना जाएगा और भारत जी को अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम जी ऑफिशियल का आज चुनाव है, जहाँ पर सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत सैनी जी को चुनाव दिया जाता है। और आज की पार्टी का पूरा फंड और आज की पूरी पार्टी जो स्पॉन्सर करी है वो हमारे भारत जी ने करी है। साहिल ये सीक्रेट मसाला आप कहाँ से लाए हो, किस तरह बनाया गया है? तो सीक्रेट मसाला दिखा दीजिए साहब एक बार अच्छे से। साहब ये तो अजवाइन दिख रहा है साहब।
गाइस अब शुरू हो चुका है अपना कार्यक्रम। ये देखिए ये अपने दाल टिक्कड़ बन रहे हैं। टिक्कड़ होते हैं इसमें अपने आटा यूज किया है, आटे सूजी बेसन थोड़ी सी अजवाइन थोड़ा सा दूध और पानी डाल के इसको सेकेंगे। ये देखिए महाराज जी इसको सेकेंगे और ये गया अपने आप देख सकते हैं थोड़ा कार्यक्रम अभी व्यस्त चल रहा है क्योंकि लोगों का पता नहीं कहाँ घूम गए, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं यार बार बार से। अब हम चल रहे हैं रिव्यू देने। तो दाल और सैलेड हो गया तैयार। ये देखिए आप दाल देखिए, दाल देखिए जो ये आई आप पास फ्लेवर आ रहा है ना, खुशबू जो आ रही है दाल का, ये देखिए दाल का जो फ्लेवर है ना अलग ही है, निखर के है। ये चटनी तैयार हो चुकी है जो खास मसालों से होके तैयार हुई है। तो हमारे टिक्कड़ का रिव्यू देंगे हमारे रघु जी टिक्कड़ का थोड़ा सा रिव्यू दीजिए। टिक्कड़ जो बात है, हाँ जी इस टाइम हालत ऐसी हो रही है पसीनों में, पर ये जो मेहनत का फल आएगा निखर के आएगा पूरा। तबीयत कुछ ऐसी लग रही है भाई सारे चीज खुल चुके जल्दी फोकस करो। आके बताएंगे चटनी कैसी है आके बताओ, नाक मत दिखाओ चटनी में है स्वाद। तो यार बिना चटनी के मजा आता ही कोई चूरम बना रहा है चूरम चूरम ये होती है स्टाइल, ये है हमारे देश स्टाइल खाना खाने की। ये कौन सी लगी चंगा कौन सी देख गरम गरम मालूम पड़ रहा है। आ तो दिया आ तो खाई हो आ तो इतना स्वाद है कि मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा हाँ और हाँ सर बताइए जो आज टिकट की व्यवस्था हमारे माननीय अनिल जी ने करी है बहुत बढ़िया करा है। जो ठीक है खाने के लिए जो एक प्री बर्थडे पार्टी होती है ना हाँ। वो अनिल जी के द्वारा की गई थी। मजा आ गया चटनी चाहिए और चटनी 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 अरे मेरी मेरी बात सुन ले गाइस। तो ये देखिए यहाँ पर दूसरा ब्लॉग बन रहा है हमारे मोहित जी ब्लॉग बना रहे हैं। तो कैसा लगा कार्यक्रम साहब? बिल्कुल आनंद आ गए, लफ्जों में बयान नहीं कर सकता जो कैसे बयान करोगे। बयान भाइयों को आशीर्वाद देके और भारत जी से मिला के भारत जी का जन्म हमारे। ये देखिए सर अरे अन्य खा देख रही हूँ पैसा तो हाँ सर। एक पहले बताइए आप बढ़िया रसगुल्ले गाइस देखिए रसगुल्ले भी आए हैं। ये रहे रसगुल्ले ये लो महाराज जी। मतलब खाने का जो चरम सुख है ना वो ऐसे ही है मुझे ही है बस बाकी तो सब ठीक है सर ठीक है सर। तो गाइस अभी हम अलविदा करते हैं अपने साथियों को और नेक्स्ट कहाँ पे पार्टी नेक्स्ट टाइम तो ये देख लीजिए गुड बाय।